बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मछली फ्राई दिखा रही हूँ बना के। ये मैंने लिए कुंद मछली जो होती है, बहुत ज़बरदस्त समंदर की ताज़ा। ये 1 किलो मैंने ली, साफ़ सफाई करवा के ना ये 750 ग्राम रह गई। अब मैं ये देखो, ये एक चमचे से ज़्यादा इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्च के 7 पीसेस। या आप कलर देखे कहेंगे लहसुन अदरक नहीं लग रहा। इसमें मैं 4 से 5 मिर्चें डाल देती हूँ, जब भी लहसुन अदरक पीसते और ये करके। और ये देखें, ये अजवाइन है, इतनी अजवाइन लेनी। इसको यूँ मसल के यूँ डाल देते हैं। ये थोड़ी कम लग रही है, ज़रा सी और डाल दूँ। गर्म बेशक होती है मगर इसकी खूब इस्तहा अंगेज़ होती है। ये मैं डाल रही हूँ। और ये देखें, शान फ्राई मछली मसाले, ये मैं एक डाल रही हूँ। एक हो गया, ये आधा और डालूँगी मैं इसमें। और इसको हम लगा के ना 1 घंटे के लिए, 1 घंटे से ज़्यादा ही रख देंगे। आधा मैं और डालें, आधा मसाला डाल रही हूँ। और इसे खूब अच्छी तरह अभी मैं इसे लगा लूँ, फिर हाथों से मसल के सब में कर लेना, ताकि अच्छा कोट हो जाए इसके ऊपर ना, अच्छे से कोट करना, ताकि उसमें सारा मसाला रच बच जाए और अजवाइन की खुशबू तो जब आएगी सो आएगी, बहुत ज़बरदस्त होती है। जिस चीज़ में भी आप डालें उसमें इस्तेहा अंगे, इसका मतलब तो पता ही होगा कि आप जिसे देखते हैं चीज़ को खुशबू से ही दिल चाहने लगे कि ये बन जाए और दूर दूर तक खुशबू फैल जाए। यहाँ आज यहाँ मछली बनी है, कल वहाँ ये बना है, पुलाव बना है, वो बनाना, हर चीज़ अभी मैंने लगा दिया। अब मैं ये 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी और फिर मैं ना तेल गरम कर रखूँगी और ये फ्राई करूँगी इंशाअल्लाह ताला। ये आपको मैं दिखाऊँगी, तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। ये मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था मसाला लगा के। अब मैंने इसे निकाला है, ऑयल गरम कर लिया और थोड़ा सा 2-3 चमचे मैदे के मैंने इसमें करके इसे और ज़्यादा वो कर लिया। अब ये मसाला ना छूटेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। और ये देखें, ये करी जा रही है और माशाल्लाह ऐसी खुशबू पूरे घर में फैल रही है, मज़ा आ गया। आप लोग भी बनाए, सब्ज़ियाँ शुरू हो रही हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आपको मैं क्या कहूँ कि मुझे आपकी मोहब्बत की और कितनी ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करेंगे अपनी बहनों से, दोस्तों से करवाएँगे, ये आपकी और मोहब्बत होगी मेरे से, तो इंशाअल्लाह ताला आप भी बनाएगा। ऐसा मज़े, बहुत मज़ेदार खुशबू रही है, दिल चारा बनाते बनाते खा लूँगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं मम्मी क्या बना रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपके सामने ये कर रही हूँ सब। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपका दस्तरखान रखे, आप सर्दियों में मधुमले की चीज़ें खिलाएँ। इससे पहले मैंने आपको कड़क सोन हलवा सिखाया, सर्दियों की चीज़ है, स्पेशल है ये, मछली है और मूली की भुजिया भी मैंने दिखाई आपको बना के। देखिए बना ली, जिस तरह मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला ना, सॉरी मैंने मैदा बोल दिया था, ये सब मसाले इस पर लग गया पूरे तरीके से। और ये हुआ कि ना इसमें तेल में अब आपको कोई मसाला नहीं नज़र आएगा। ये आप उठा के रख दें ठंडा होने पे, अब दोबारा ज़ाहिर इस मौसम में आएगी और एक बार क्या 10-10 दफ़ा आती है, तो आप ये उसी में तल सकते हैं, दूसरा भी नहीं करना, तेल ख़राब नहीं करना पड़ेगा। और आप जब चाहे इस तरह तेल पड़ा होगा कि नहीं है और लाना, ये नहीं करना पड़ेगा। और बहुत ही मज़ेदार खुशबू, बस समझे सबर का पैमाना लबरेज है, ऐसी खुशबू आ रही है। ये मछली भी बहुत अच्छी वाली है, कोई मछली या आप मेट्रो से लें या अपनी कोई ख़ास दुकान आपने मछली की बनाई हो उससे कह के मंगाएँ और फिर बनाएं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। अभी मैं ये 2-4 तलके और ये डालूँगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, हमेशा मुझे रखें, मैं आपको दुआओं में याद रखती हूँ। आप सब मेरे बहन भाई दोस्त कज़न हैं, सब हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आप सब के घर में खुशियाँ ही कुछ बरकरार है। अल्लाह हाफिज़।